आज तीज है तो तीज पे बना रही है आज कचौरियाँ। गर्मी में बुरा हाल, गर्मी से देखो कितना बुरा हाल हो रहा है बच्चों के लिए। तीज मन रही है तो आ जाइए गाइस, आप भी खा लीजिए गरम गरम कचौरियाँ। कचौरियाँ सोनी जी खा रहे हैं, कचौरियाँ खुशी भी खा रही है। प्लेट में लाई खुशी नहीं, मटर के साथ खा रही है। मैं मौसी जी लाई है पिज्जा और गई यहाँ पे ना बच्चों की मौसी आई थी तो वो पिज्जा भी लाई थी और एक नई खुशखबरी भी लेके आई थी। तो मिठाई का डब्बा लेकर आई थी मौसी जी, तो सबको पिज्जा खिला रही है मौसी। लेके आई है 3-4 पिज्जे तो सभी बच्चे खुश हो गए और खा रहे हैं और सोनी जी भी बैठे हैं और बच्चों का तो मन खुश हो गया पिज़्ज़ा देख करके। तो मौसी जी आई हैं खुशखबरी शेयर करने के लिए। मिठाई का डब्बा लेकर आई है और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेकर आई है। नहीं ये इतनी ही मिलती है, इससे कम नहीं और फिर देखिए गाइस एसी वाला आ गया था तो एसी ठीक कर रहा है अभी, तो एसी भी कूलिंग नहीं कर रहा और फ्रिज भी कूलिंग नहीं कर रहा। तो ये एसी फ्रिज दोनों भी ठीक करते हैं ये, तो अभी फ्रिज की भी कूलिंग चेक कर रहे हैं कि हो रही है नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। तो गाइस अभी यहाँ पर एसी और फ्रिज दोनों चेक हो रहा है, ना एसी कूलिंग कर रहा है और ना ही फ्रिज कूलिंग कर रहा है, दोनों चीज़ एक साथ ख़राब हो गई। एसी के बिना तो काम चल जाता लेकिन फ्रिज के बिना तो काम ही नहीं चल रहा, सब्ज़ी वगैरह नहीं रख पा रहे हैं, दूध वगैरह ख़राब हो जाता है। और ये यहाँ पर धनिया वगैरह साफ़ कर लिया मैंने, पुदीना, तो अभी इसकी बनेगी चटनी और बनेगा गोलगप्पे का पानी। गोलगप्पे रखे हुए थे ना रेडीमेड जो आते हैं बाज़ार के काफ़ी दिन से, तो बच्चे बोल रहे थे इनको फ्राई कर लो फ्राई कर लो। तो अभी कढ़ाई भी रखी हुई है और ऑयल भी रखा है उसमें, तो चटनी बनेगी बस उसका पानी बनेगा और गोलगप्पे सेक के फिर उसको खा लेंगे बच्चे। और देखना गाइस प्याज भी इतनी महंगी हो गई, अब टमाटर तो था ही और प्याज भी महंगी हो गई, अब 50 रुपये किलो प्याज मिला है।
अब तो क्या है ना, बस चटनी बना बना कर खाओ, सभी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो ये सब मैं साफ़ कर रही हूँ, अभी साफ़ करके फिर मिक्सी में पीस करके बनाएंगे इसकी चटनी और गोलगप्पे का पानी। तो गाइस गोलगप्पे फ्राई कर लिए हैं और खा रहे हैं। और ये सॉस मीठी वाली वो रखी है जो उस दिन भुट्टे के लिए बनाई थी, और ये गोलगप्पे का पानी बना लिया धनिया पुदीना पीस करके। तो गाइस मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें।